विचेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो औरतें जो जादू टोना करती हैं, जिन्हें डाइन के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलर हैं। बहुत समय पहले विचेस के नाम पर यानी डाइन के नाम पर 6 लाख से भी ज़्यादा औरतों को मारा गया है, क्योंकि लोगों का समाज का ये मानना था कि ये विचेस डाइन हैं, और उनके मानने के चलते ऐसे ही करके लाखों औरतों को मारा गया था। क्योंकि इतिहास में एक समय था जब ये विचेस डाइन वगैरह ये सब कहानी वगैरह ये सब पीक पर थी, तो 6 लाख से भी ज़्यादा औरतों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद वो विचेस डायन है। बिल्कुल अजीब बात है कि पहले के समय में लोग क्या क्या मानते और करते थे। पुराने समय में जो पहले के अल्केमिस्ट होते थे, वो ऐसे केमिकल को बनाना चाहते थे, उसे इन्वेंट करना चाहते थे कि जिसका यूज़ करके इंसान हजारों सालों के लिए या हमेशा के लिए जी सके। और ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि शायद किसी ने इसे इन्वेंट भी किया था। वो जो अल्केमिस्ट थे, उन्होंने ऐसा लिक्विड तैयार किया था एंड ऐसा कोई चीज़ तैयार किया था जिसका यूज़ करके इंसान लंबे समय तक जी सके, बट वो लिक्विड किसी हादसे में लॉस्ट हो गई थी। लेकिन स्टोरीज के हिसाब से वो लॉस्ट नहीं हुई थी, बल्कि उसको ख़त्म कर दिया गया था, उस लिक्विड को नष्ट कर दिया गया था एंड उस इन्वेंशन को भी दबा दिया गया था। टॉमी कूपर नाम का एक मैजिशियन था, मतलब एक जादूगर था, तो उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई थी। घटना क्या, उनके लाइफ का एंडिंग पॉइंट था वो समझो। वो मैजिशियन स्टेज पर लाइव मैजिक परफॉर्म कर रहा था एंड अचानक से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। बट ऑडियंस को यही लगता है कि वो मैजिक जो परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी का एक सीन एक पार्ट है, बट उनको एक्चुअल रियल में हार्ट अटैक आ गया था। मैजिक दिखाते वक्त उनको बीच में हार्ट अटैक आ गया एंड वो हार्ट अटैक से भी लेट भी गए, बट ऑडियंस को ऑडियंस मतलब हंस रही थी, उनको मतलब कि पता ही नहीं कि इनको हुआ क्या, वो समझ रहे थे कि ये मैजिक का ही पार्ट है, मैजिशियन का। ये सच में दुनिया की सबसे अजीब घटनाओं में से एक थी।